43 चीजें जिनका उपयोग आप नहीं जानते। हमारी रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजों में ऐसे कई फीचर्स होते हैं जिन पर आप शायद कभी गौर नहीं करते, लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु हो तो बात अलग है। हालांकि ये चीजें अक्सर दिखावे की नहीं होती और इनका एक मकसद होता है। जिंदगी की बहुत सी छोटी छोटी चीजों के पीछे अक्सर कुछ उपयोगी ट्रिक्स होती हैं, जिनकी मदद से हमारी जिंदगी काफी आसान बन सकती है। इससे पहले कि हम इन 43 चीजों के वीडियो की शुरुआत करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। ऐसा करने से आपको अपने नंबर वन बेस्टी के सारे अपडेट्स वक्त पर मिलेंगे। अब देखिए वो 43 चीजें जिनका उपयोग आप नहीं जानते। 43वां, टूथपिक। कुछ टूथपिक उल्टी तरफ से दांतेदार होती हैं। ये छोटे दांते केवल सजावट के लिए या आपको उल्टी सीधी बाजू बताने के लिए नहीं होते। दांतेदार हिस्से को टूथपिक से अलग करने के बाद ये हिस्सा होल्डर का काम करता है ताकि सफाई बरकरार रह सके। 42वां, एक्स्ट्रा कपड़ा। आपके कपड़ों के साथ आने वाले कपड़े के एक्स्ट्रा टुकड़े का इस्तेमाल दरअसल पैच की तरह नहीं किया जाता। अक्सर लोगों को यही लगता है और फिर वो इसे फेंक देते हैं। इसे दरअसल वॉशिंग मशीन में टेस्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि कपड़ा अलग अलग डिटर्जेंट्स या ब्लीचेस पर कैसे रिएक्ट करता है। कपड़े की बात चली है तो क्या आपने कभी सोचा है कि टोपियों के ऊपर छोटे पॉम्पॉम क्यों होते हैं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। 41वां, बॉबी पिंस। बॉबी पिंस की एक बाजू पर जो जिगजैग जैसा डिजाइन होता है उसकी एक वजह होती है। कुछ लोग उस डिजाइन का मतलब नहीं समझते और बॉबी पिन को कैसे भी लगा लेते हैं, लेकिन उस डिजाइन की वजह से हेयर पिन बालों को अच्छे से पकड़ती है, इसलिए डिजाइन वाला हिस्सा हमेशा सिर को छूना चाहिए। 40वां, स्पगेटी स्पून। जो लोग अक्सर पास्ता बनाते हैं वो स्पगेटी स्पून के बारे में तो जानते ही होंगे। स्पगेटी स्पून की पहचान होती है कांटेदार सिरा और परोसने वाली जगह पर एक छेद। आप अक्सर सोचते होंगे कि वो छेद इसलिए दिया गया है ताकि पास्ता को परोसते वक्त अतिरिक्त पानी निकाला जा सके, लेकिन ऐसा नहीं है। today.com के अनुसार वो छेद दरअसल स्पगेटी की एक सर्विंग के बराबर होता है ताकि खाना बनाते वक्त आप उसे एक्यूरेटली माप सके। जिन लोगों को पास्ता बहुत ही ज्यादा पसंद होता है वो शायद इस चम्मच के सजेस्टेड सर्विंग पोर्शन से संतुष्ट ना हो, लेकिन खाना बनाते वक्त जब आप सर्विंग्स को गिनना शुरू करते हैं तो ये पता लगाने के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है कि कहीं आप बहुत कम या बहुत ज्यादा तो नहीं बना रहे। वीडियो देखते रहें और जानें वो नंबर वन चीज जिसका उपयोग ज्यादातर लोगों को नहीं पता। 39वां, मेकअप प्रोडक्ट्स। अपने किसी भी मेकअप प्रोडक्ट को उठाकर देखिए, उस पर छोटे डिब्बे जैसा एक चिन्ह होगा। उस चिन्ह के अंदर आपको 6M, 12M या 24M लिखा दिखेगा। इस नंबर का मतलब होता है आपके मेकअप की शेल्फ लाइफ। ये एक बहुत अच्छा तरीका है ये पक्का करने का कि आप अपनी बेशकीमती त्वचा पर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल ना करें। 6M का मतलब है कि वो 6 महीने बाद खराब हो जाएगा, 12M का मतलब है 12 महीने और 24M का मतलब है पूरे 2 साल। तो ध्यान रखें कि आप इन चीजों को कब खरीद रहे हैं और एक्सपायरी डेट से पहले उन्हें फेंक दें। आप खरीदने की तारीख को डिब्बे या ट्यूब पर भी लिख सकते हैं। एक्सपायर्ड मेकअप प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना काफी हानिकारक हो सकता है। इससे त्वचा पर रैशेस, इन्फेक्शन या मुहासे हो सकते हैं। ये सभी चीजें आप कभी नहीं चाहेंगे। तो महिलाओं और पुरुषों, ध्यान रहे कि एक्सपायर्ड मेकअप का इस्तेमाल ना करें। आप शायद सोचते हो कि एक आध बार ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपकी त्वचा को खराब करने के लिए एक बार ही काफी है। 48वां, स्टेपलर। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके स्टेपलर पर मेटल प्लेट जैसा क्या होता है? इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको स्टेपलर के नीचे लगी इस प्लेट को केवल घुमाना पड़ता है। इससे स्टेपल पिन हो जाता है जो कागज को टेम्पोरेरिली जोड़ता है। ऐसा करने से आपको स्टेपल निकालने के लिए स्टेपल रिमूवर का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता। 37वां, एग्जैक्टो चाकू। अगर आपने कभी एग्जैक्टो चाकू का इस्तेमाल किया है तो आपको शायद मालूम होगा कि जब ब्लेड भौंतरा हो जाए तो आप उसे काटकर नई नुकीली परत हासिल कर सकते हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि चाकू का कवर कुछ इस तरह डिजाइन किया होता है
कि ब्लेड को सुरक्षित तरीके से काटा जा सके। भौंथरा ब्लेड कवर पर दिए नीचे खांचे में आ जाता है और इससे ब्लेड सुरक्षित तरीके से कट जाता है। 36वां, केचप। क्या आपने कभी गौर किया है कि हाइंस केचप की बोतलों पर 57 नंबर लिखा होता है? जी हाँ, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहाँ ये नंबर लिखा होता है वो जगह बोतल का स्वीट स्पॉट मानी जाती है। स्वीट स्पॉट बोतल की उस जगह को कहते हैं जहाँ तब ठोका जाता है जब आप केचप को निकालने के लिए जूझ रहे हों। 35वां, जीन्स की छोटी जेबें। जीन्स की छोटी जेबों में अरसे से पैसे, छोटे बटन या चॉकलेट रखी जाती है, लेकिन असल में उन्हें पॉकेट वॉचेस रखने के लिए डिजाइन किया गया था। जब इन जीन्स को पहली बार बनाया गया था तो ये जेब काउबॉयज और खदानों में काम करने वालों के लिए पॉकेट वॉचेस रखने के लिए बनाई गई थी। 34वां, तालों के छेद। कभी आपने सोचा है कि तालों के नीचे चाबी लगाने की जगह के पास छोटा छेद क्यों होता है? अगर तालों में जंग लग जाए तो इसी छेद के जरिए तेल डाला जाता है, और अगर ताले में पानी चला जाए तो इसी छेद से बाहर निकाला जाता है। 35वां, प्लास्टिक के डिब्बे। ज्यादातर प्लास्टिक के डिब्बों पर कुछ चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह बताते हैं कि डिब्बे किस तरह की प्लास्टिक से बने हैं और रिसाइकलिंग सिंबल्स की तरह भी काम करते हैं। प्लास्टिक के डिब्बों के नीचे पाए जाने वाले चिन्ह ये बताते हैं कि उस प्लास्टिक को माइक्रोवेव या डिशवॉशर में इस्तेमाल करना सुरक्षित है या नहीं। 32वां, हेडफोन जैक्स। ज्यादातर हेडफोन जैक्स पर दो रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं वायर्स को दाहिने और बाएं स्पीकर तक ले जाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। इन दो रेखाओं के बिना आप केवल एक ही कान से सुन पाएंगे। 31वां, स्केल यानी रूलर्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि रूलर्स के सिरों पर छोटे छेद होते हैं? जी नहीं, वो गोला ड्रॉ करने के लिए नहीं होते, हालांकि ये भी एक अच्छा विचार होगा, लेकिन दरअसल वजह बहुत सीधी है। ये गोले इसलिए हैं ताकि लोग उन्हें लटका सकें। 30वां, जीन्स। जीन्स में लगे मेटल स्टड्स फैशन स्टेटमेंट होने के अलावा एक प्रैक्टिकल उद्देश्य भी पूरा करते हैं। जब लीवाइस ने पहली बार जीन्स बनाई तो उन्हें बहुत सी मुश्किलें आई, क्योंकि मजदूरों और माइनर्स द्वारा उन्हें काम पर पहने जाने की वजह से वो फट जाती थी। इसलिए जीन्स को मजबूत करने के लिए ये मेटल स्टड्स लगाए गए। 29वां, आइसक्रीम स्कूप्स। आइसक्रीम स्कूप्स अक्सर कई अलग अलग रंगों में आते हैं, लेकिन इसकी वजह सुंदरता से संबंधित नहीं। आइसक्रीम स्कूप्स कलर कोडेड होते हैं। हर रंग दरअसल स्कूप का आकार दर्शाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि एक लीटर के डब्बे को भरने के लिए कितने स्कूप्स की जरूरत पड़ती है। 28वां, एप्पल चार्जर्स। एप्पल की हर पावर केबल पर पावर ब्लॉक पर विंग्स होते हैं, जिनकी एक वजह होती है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी कॉर्ड लपेट कर नहीं रखते, तो विंग्स आपको केबल लपेटने के लिए एक्स्ट्रा सेक्शन देते हैं, और इनमें एक क्लैंप भी होता है ताकि इसे पूरी तरह से सिक्योर किया जा सके। इसमें वक्त लगता है, लेकिन ये आपके चार्जर की उम्र जरूर बढ़ाता है। 27वां, टूथपेस्ट की ट्यूब का ढक्कन। कुछ टूथपेस्ट की ट्यूब के ढक्कन में नोक होती है, जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा करते हैं, लेकिन इस छोटी नोक की वजह से ट्यूब खोलना आसान हो जाता है। ढक्कन में ये नोक का मतलब है कि ढक्कन में प्रोटेक्टिव फॉइल सीलिंग है। ये नोक फॉइल को फाड़ देती है और आप पेस्ट इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। 26वां, कॉर्ड्स के सिरे पर गांठ। आपके कॉर्ड्स या केबल्स के सिरे की छोटी गांठों को फेराइट कोर्स या चोक्स कहते हैं। मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड का ये समूह हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को दबाने के काम आता है। इसका एक उदाहरण है वो इंटरफेरेंस जो तब आता है जब आप स्पीकर के एकदम पास रखे फोन का इस्तेमाल करते हैं। 25वां, क्रीम्स और मलहमों के ढक्कन। कभी सोचा है कि क्रीम्स और मलहमों के ढक्कन में छोटी नोक क्यों होती है? उनका डिजाइन इस तरह से किया गया है ताकि प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में मदद मिल सके। आपको केवल ढक्कन खोलना है और उल्टा करके नोक की मदद से प्रोटेक्टिव फॉइल को फाड़ना है। 24वां, बैकपैक्स। आप शायद ज्यादातर बैकपैक्स के पीछे दिए गए डायमंड शेप्ड स्क्वायर्स से वाकिफ होंगे। ज्यादातर लोग उसे डिजाइन मानते हैं, लेकिन इन चीजों को लैश टैब्स या पिक स्नाउट्स कहा जाता है, और इनका इस्तेमाल कैंपिंग या हाइकिंग के दौरान जूतों को लेस से बांधकर लटकाने के लिए किया जाता है।
23वां, वाइन की बोतल के नीचे का गड्ढा। वाइन बोतल के नीचे दिए गड्ढे को पंट कहते हैं और ये बोतलों को गिरने से बचाता है। दरअसल पंट कई बातों में मदद करता है, जैसे वाइन को जल्दी ठंडा करना, बोतल को हाई प्रेशर की तरफ ज्यादा रेजिस्टेंट बनाना और इससे बोतल पकड़ना और वाइन पोर करना भी ज्यादा आसान हो जाता है। 22वां, शर्ट्स के लूप्स। आपने वो लूप तो देखा ही होगा जो ज्यादातर शर्ट्स के पीछे दिया होता है, लेकिन ये लूप केवल सजावट के लिए नहीं होता, ये इसलिए होता है ताकि आप शर्ट को बिना किसी सिलवट के अलमारी में लटका सकें। ये फीचर तब बहुत फायदेमंद साबित होता है जब आपके हैंगर्स खत्म हो जाते हैं। 21वां, इरेजर की नीली बाजू। आपको लगता होगा कि इरेजर की नीली बाजू पेन को इरेज करने के लिए होती है, लेकिन अगर आपने कभी ऐसा करने की कोशिश की हो तो आपको पता होगा कि ऐसा करने से कागज फट जाता है। इरेजर की नीली बाजू दरअसल ऐसे कागज पर से पेंसिल इरेज करने के लिए होती है जो साधारण कागज से मोटा हो। इसकी मदद से गुलाबी इरेजर के स्मजेस भी मिटाए जा सकते हैं। 20वां, टूथपेस्ट की ट्यूब पर बने रंगीन चौकोन। क्या आपने कभी टूथपेस्ट की ट्यूब की निचली तरफ बने रंगीन चौकोन देखे हैं? इन रंगीन चौकोनों का एक मकसद होता है। इन चौकोनों को कलर मार्क्स कहते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग के वक्त बनाए जाते हैं और बताते हैं कि पैकेट को मोड़ा जा सकता है या काटा जा सकता है। 19वां, हवाई जहाज की खिड़कियों में बने छेद। हवाई जहाज में अक्सर सफर करने वालों ने इसकी खिड़कियों में छोटे छेद जरूर देखे होंगे। इन छेदों को ब्लीड होल्स कहते हैं और वो एक्रेलिक मटेरियल के दो अन्य पल्लों के बीच के खांचे में होते हैं। ब्लीड होल्स हवाई जहाज के अंदर और बाहर के हवा के दबाव को इक्वलाइज करते हैं। ये पक्का करते हैं कि जब प्लेन हवा में जाए तो दबाव में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। ये खिड़कियों पर भाप जमने से भी बचाते हैं। 18वां, गोल्फ बॉल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि गोल्फ बॉल्स जैसी हैं, वैसी क्यों दिखती हैं? गोल्फ बॉल्स पर बने छोटे गड्ढे दरअसल हवा में उनके उड़ते वक्त ड्रैग की मात्रा कम करने में मदद करते हैं। इन छोटे गड्ढों की मदद से गोल्फ बॉल न केवल तेज उड़ती है बल्कि दूर भी जाती है। 17वां, डोर नॉब्स। आपने अक्सर गौर किया होगा कि ज्यादातर डोर नॉब्स पीतल के बने होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पीतल की सतह पर बैक्टीरिया जम नहीं पाते। पीतल बैक्टीरिया को मार डालता है और डोर नॉब्स को जर्म प्रूफ बनाता है, जो कि आइडियल है क्योंकि रोज ढेर सारे हाथ उन्हें छूते हैं। 16वां, बियर की बोतलें। बियर की बोतलों की गर्दन लंबी होने की एक वजह है। इंसान के हाथ प्राकृतिक रूप से गर्म होते हैं। बियर की बोतल को छूने पर ये गर्मी बोतल में चली जाती है, इसलिए बियर की बोतल की गर्दन का हिस्सा लंबा बनाया जाता है ताकि जब बोतल को ठंडा किया जा रहा हो तो बियर पीने वाले के पास कुछ पकड़ने के लिए हो। 15वां, पेन के ढक्कन में बने छेद। क्या आपने सोचा है कि पेन के ढक्कन के ऊपर छेद क्यों होता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि इस छेद से पेन सूखता नहीं है, लेकिन इसके दरअसल वहां होने का मकसद एक बहुत ही गंभीर प्रिवेंटिव मेजर है। ये छेद सफोकेशन के खतरे को कम करने के लिए होता है, खासकर छोटे बच्चों में। अगर कोई ढक्कन निगल ले तो ये छेद एयरवे को पूरी तरह बंद होने से बचाता है। ये पक्का करता है कि अगर कोई गलती से ढक्कन को निगल ले तो वो दम घुटकर मरे नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि एक छेद किसी को दम घुटने से कैसे बचाएगा, तो इसी छेद की वजह से एयरवे पूरी तरह से बंद नहीं होता। 14वां, गैस गेज के साथ का तीर। आपने शायद गैस गेज के पास के तीर पर कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन अगर आप कोई अनजान गाड़ी चलाने वाले हैं तो इस तीर के बारे में जानकर आपको खुशी होगी। ये तीर दिखाता है कि गैस कैप कार की किस तरफ है, जिस वजह से आप गलत साइड खींचने की शर्मिंदगी से बच सकते हैं। 13वां, कीबोर्ड के बम्प्स। कीबोर्ड से वाकिफ कोई भी ये जानता होगा कि F और J कीज पर छोटे बम्प्स होते हैं। हर कीबोर्ड की कीज पर इन बम्प्स के होने का एक कारण है, और वो ये है कि 10 फिंगर टाइपिंग में ये होम कीज हैं जिन पर आपकी इंडेक्स फिंगर्स रखी जाती हैं। इन बम्प्स की मदद से टाइपिस्ट्स स्क्रीन से नजर हटाए बिना टाइपिंग कर सकते हैं। 12वां, टिक टैक्स। टिक टैक की पैकिंग लिड पर दिया छोटा इंडेंटेशन डिस्पेंसर की तरह काम करता है।
हम में से ज्यादातर लोग चिप्स की ही तरह एक बार में केवल एक ही टिक टैक नहीं खाते, लेकिन जो इंडेंटेशन है वो टिक टैक के आकार का होता है, ताकि जब आप इसे उल्टा करें और लिड खोलें, तो एक ही टिक टैक बाहर निकले। 11. प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन। प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन के अंदर की छोटी डिस्क बोतल का सामान सही सलामत रखने के लिए होती है। कई प्रमोशंस होते हैं जहां सोडा ब्रांड्स छोटी डिस्क के अंदर कोड छिपाते हैं, लेकिन उन डिस्क के होने की वजह होती है। डिस्क की मदद से लिक्विड और कार्बोनेशन दोनों सील रहते हैं। अगर डिस्क नहीं होती तो सोडा बहुत जल्दी फ्लैट हो जाता। 10. आईफोन कैमरा के पास का छेद। आईफोन कैमरा के पास का छोटा छेद किस लिए होता है? आईफोन इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोग कैमरा के पास इस छोटे छेद को लेकर पजल्ड हैं, लेकिन ये केवल एक माइक्रोफोन होता है। हालांकि फोन पर बात करने की जगह पर एक माइक्रोफोन होता है, ये दूसरा माइक्रोफोन बैक कैमरा इस्तेमाल करते वक्त ऑडियो कैप्चर करने के लिए होता है। 9. सोडा टैब। हर सोडा प्रेमी उस टैब से वाकिफ होता है जिसे पहला घूंट लेते वक्त आप खोलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते कि टैब में स्थित छेद का एक मकसद होता है, ताकि इसे खोलने में आसानी हो। वैसे इस छेद को स्ट्रॉ होल्डर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 8. पॉम पॉम्स। अब वक्त है ये पता लगाने का कि टोपी पर लगे पॉम पॉम्स का क्या काम होता है। आजकल तो इनका इस्तेमाल सजावट के लिए ही होता है, लेकिन 18वीं सदी में फ्रेंच मरीन्स उन्हें पहनकर शिप केबिन्स की नीची छत से अपनी सुरक्षा करते थे। उनका इस्तेमाल सैनिकों की यूनिफॉर्म में भी किया जाता था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि सैनिक मिलिट्री की कौन सी ब्रांच का है। 7. गत्ते का डिब्बा। गत्ते का डिब्बा सजावट के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखता, लेकिन अगर इस पर गोंद लगाकर डोरी से सावधानी पूर्वक लपेट दिया जाए तो ये बहुत प्यारा डेस्क ऑर्गेनाइजर बन सकता है। 6. एल्यूमिनियम फॉइल के डिब्बे। आप शायद एल्यूमिनियम फॉइल के डिब्बों के सिरों पर छोटे टैब्स से वाकिफ होंगे। आपने शायद गलती से कभी उन्हें पंचर भी किया होगा। ये टैब्स दरअसल रोल को सिक्योर करने में मदद करते हैं, ताकि हर बार शीट निकालने पर ये फिसलते हुए बाहर ना आ जाएं। बस टैब्स को दबाइए और रोल को सुरक्षित रखिए। 5. टेप मेजरर्स। टेप मेजरर्स के अंत में दिए गए छेद और दांतेदार धार की एक वजह होती है। चीजों को आसान बनाने के लिए नापते वक्त इस छेद को कील पर टांगा जा सकता है, ताकि टेप फिसले नहीं। और अगर पास में मार्किंग टूल ना हो तो उसकी जगह दांतेदार धार का इस्तेमाल किया जा सकता है। 4. जूते। आपके कॉन्वर्स ऑल स्टार शूज में छेद क्यों है? नहीं, वो पुराने नहीं हुए हैं और आपको नए जूतों की जरूरत नहीं है। कुछ जूते दोनों तरफ दो छेद के साथ डिजाइन किए जाते हैं, और वो केवल सजावट के लिए नहीं होते। इन छेदों के होने की मुख्य वजह है वेंटिलेशन, लेकिन उन्हें बास्केटबॉल खिलाड़ियों के लिए भी बनाया गया था, ताकि अल्टरनेट लेसिंग तकनीकें अपना कर कोर्ट पर खेलते वक्त उनके पैर फिसले नहीं। 3. टेक आउट बॉक्सेस। चाइनीज फूड टेकआउट की खासियत है कि न केवल आपको खाना पकाने से छुट्टी मिलती है, बल्कि इस पैकिंग की वजह से आप इसे कहीं भी खा सकते हैं। इस डब्बे को उठाकर आप कहीं भी ले जा सकते हैं, और जब आप खाना खाने बैठते हैं तो यही डब्बा प्लेट बन जाता है। 2. पॉट हैंडल्स पर बने छेद। पॉट हैंडल पर बने छेद को न केवल हुक से टांगने के लिए बनाया गया है, बल्कि इसी पर गंदे चम्मच या कलछे भी रखे जा सकते हैं। इससे गंदगी कम फैलेगी और साफ सफाई आसानी से हो पाएगी। तो अगली बार जब आप खाना बनाएं तो ध्यान रखें कि आपको कलछी कहाँ रखनी है। 1. लॉलीपॉप। आपके पास जो भी लॉलीपॉप हो उसकी डंडी के सिरे पर छेद जरूर होता है। ये छेद किसी वजह से यहाँ होता है। उनको इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि थोड़ी सी कैंडी पिघल कर छेद में चली जाए। इससे लॉलीपॉप की कैंडी डंडी पर मजबूती से चिपकी रहती है। अब क्योंकि आप बहुत सी घरेलू चीजों के उपयोग के बारे में जान गए हैं, तो वक्त आ गया है उनकी जांच करने का। हम में से ज्यादातर लोग ज्यादा ध्यान दिए बिना ही घरेलू चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी क्विक लाइफ हैक की जरूरत पड़े तो इस वीडियो में जिक्र की गई कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखें, और बाद में हमें थैंक्स जरूर बोलें। क्या आपको वीडियो में बताई गई चीजों में से किसी का उपयोग पता था? ऐसी और कौन सी चीजें होती हैं जिनके अन्य दिलचस्प इस्तेमाल होते हैं,
हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।